नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल AVTech में। दोस्तों आज है 15 मार्च और 15 मार्च की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो। दोस्तों आज की जो पहली खबर है वो है BEU परीक्षा को लेकर के। दोस्तों आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत पूरे वर्ल्ड में कोरोना वायरस छाया हुआ है, बड़ी तेज़ी से फैल रहा हुआ है। इसी को लेकर के जितने भी शिक्षा संस्थान हैं सभी बंद कर दिए गए हैं, ठीक है, और BEO परीक्षा पर भी कोरोना का साया मंडरा रहा रहा है। बहुत से अभ्यर्थी हैं जो परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। अभ्यर्थियों ने ईमेल के जरिए ये सारी सूचनाएं आयोग को मेल करी है और कहा है कि BEO की इस परीक्षा स्थगित की जाए। यहाँ पर आप लोग इसकी अपडेट देख पा रहे होंगे, दिया गया है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की 22 मार्च को प्रस्तावित खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती 2019 के प्रारंभिक परीक्षा पर भी कोरोना का साया पड़ता नजर आ रहा है। प्रतियोगी छात्रों ने शनिवार को आयोग को ईमेल करके परीक्षा को स्थगित करने की मांग की है। आपको बता दें 22 मार्च को 9:30 बजे से 11:30 बजे के बीच परीक्षा है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि प्रदेश सरकार ने 22 मार्च तक सभी शिक्षण संस्थान बंद कर दिए हैं। अन्य प्रदेशों में भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं। अध्यक्ष से निवेदन है कि इस संबंध में अनुभवी चिकित्सकों, उच्च चिकित्सा अधिकारियों व प्रबंधकों से विचार विमर्श करने के बाद ही परीक्षा कराने या स्थगित करने पर निर्णय लें, क्योंकि जब सैनिटाइजेशन और आइसोलेशन ही इस बीमारी से या इस महामारी से बचने का ज्ञात उपाय है, तो यह मामला 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों के जीवन का है, जो कि बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। ऐसे में अब उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को यह निर्णय लेना है कि परीक्षा स्थगित किया जाए या फिर अपने नियत समय पर हो। जैसा कुछ होगा अपडेट दोस्तों आपको आने वाले वीडियोस में लगातार इसकी पूरी सूचना दी जाएगी, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, ठीक है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों अपडेट है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो चुका है 16 मार्च से, ठीक है, हालांकि रिपोर्टिंग 14 मार्च को ही हो चुकी है। यहाँ पर ये अपडेट है कि अगर किसी अभ्यर्थी को 90% से अधिक अंक मिलते हैं तो उनकी कॉपी दोबारा से जांची जाएगी। जो भी शिक्षक ऐसे विद्यार्थियों की कॉपियाँ जाँचेगा उसको एक अंडरटेकिंग देना होगा कि एक असहमति असहमति देने के लिए आख्या देनी होगी, यानी अंडरटेकिंग ही बोलते हैं उसको, कि भविष्य में अगर दूसरा कोई परीक्षा की कॉपी जांचता उसमें कुछ त्रुटियां पाई जाती हैं या अनियमितता पाई जाती है तो उसके लिए वो व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा। इस तरीके से अंडरटेकिंग दी जाएगी और उसमें यह भी लिखना होगा अगर कोई इसमें अनियमितता पाई जाती तो उसके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी, ये उसे मान्य होगी, ठीक है। वहीं पर अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय बलरामपुर में दोस्तों भर्तियाँ आई हुई हैं। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश में इस केंद्रीय विद्यालय में जॉब करना चाहते हैं तो डायरेक्ट इंटरव्यू है, कोई भी लिखित परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है। इसमें PGT और TGT के कई सारे पद हैं, तो आप इसको देख लीजिए। PGT की बात करते हैं तो वाणिज्य अर्थशास्त्र अंग्रेजी के पद हैं, और अगर TGT की बात करते हैं तो गणित और अंग्रेजी के पद हैं, प्राथमिक शिक्षा के भी पद हैं। इसके अलावा कंप्यूटर अनुदेशक, परामर्शदाता, योग अनुदेशक, नर्स, इसके भी पद हैं। डायरेक्ट इंटरव्यू हैं, 25 मार्च और 26 मार्च को इसके इंटरव्यू हैं, तो आप लोग यहाँ पर जा करके आप लोग अपना इंटरव्यू में दे सकते हैं, ठीक है। ज़्यादा जानकारी आपको इस वेबसाइट पर मिल जाएगी, KVS बलरामपुर AC.in, इस पर जाएंगे तो पूरा आपको नोटिफिकेशन वगैरह सारी चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है परिषदीय विश्वविद्यालयों में ट्रांसफ़र को लेकर के। आप लोग जानते हैं बेसिक शिक्षा परिषद के विद्यालयों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र की प्रक्रिया दिसंबर से शुरू हुई थी और अभी तक ये प्रक्रिया खत्म नहीं हुई है। उम्मीद है कि अप्रैल माह में इनका तबादला हो जाएगा, लेकिन स्कूलों में स्थानांतरण व समायोजन आदि कब पूरा होगा इसकी कोई भी समय सीमा नहीं तय है। जिस गति से कार्य चल रहा है उस गति को अगर देखें तो सारी प्रक्रिया में अभी कई और महीने लगना
तय है, ठीक है। तो फिलहाल अभी इनको समायोजन में काफ़ी टाइम लगेगा। मैं पर बात कर लेते हैं, अगर माध्यमिक विद्यालयों में जो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में ट्रांसफ़र होने हैं ऑनलाइन, इस बार से 1 मार्च से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन आज 15 मार्च है, अभी तक ना तो रिक्त पदों का ब्यौरा जुटा पाई है सरकार और ना ही वेबसाइट बन पाई है। कब ट्रांसफ़र होंगे कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते, तो एडेड माध्यमिक विद्यालयों में कॉलेजों में नियुक्तियों को लेकर के अपडेट आ चुकी है। ये नियुक्तियां हैं 2013 भर्ती से रिलेटेड। आपको पता होगा कि 2013 जो भर्ती थी उसमें काफ़ी सारे शिक्षकों ने या अभ्यर्थियों ने कॉलेज नहीं ज्वाइन किए थे, ठीक है, और काफ़ी पद खाली चल रहे थे। तो अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट में केस किया और इसका जो रिजल्ट आया, मतलब ऑर्डर आया, वो आया था 28 दिसंबर 2019 को और दूसरा आया 22 जनवरी 2020 को। तो इन 606 पदों पर जो खाली थे, 606 पद, इनमें अभ्यर्थियों की वेटिंग लिस्ट से अवशेष पैनल से काउंसलिंग करवाई गई, जो कि 18 से 22 फरवरी के बीच काउंसलिंग हुई थी, ठीक है। इसमें से 606 पदों में से सिर्फ 400 अभ्यर्थियों ने काउंसलिंग करवाई, 400 अभ्यर्थी ही इसमें उपस्थित हुए। कई पदों पर अभी, कई जो विषय हैं उन पर अभी काउंसलिंग नहीं हो पाई, विवाद चल रहा है। तो इन्हीं काउंसलिंग पदों को लेकर के अपडेट है कि जो भी काले जिनकी काउंसलिंग हुई है उनकी नियुक्तियां जल्द होंगी, ठीक है। इसमें समय क्यों लग रहा है, तो समय इसलिए लग रहा है क्योंकि शिक्षा निदेशालय आपके डॉक्यूमेंट्स का जो आपने जमा करवाए हैं, ठीक है, वेरिफिकेशन में उनकी जाँच कर रहा है, इस वजह से अभी इसमें समय लग रहा है। उम्मीद है कि इसी महीने आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी या फिर अप्रैल 1 वीक भी आप इसमें मान सकते हैं, ठीक है। अगली न्यूज़ की अगर बात कर लेते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट है यूपी बोर्ड की कॉपियों को मूल्यांकन को लेकर के। दोस्तों दिया गया है कि कॉपी जांचने का सबसे कम समय यूपी बोर्ड में 10वीं 12वीं की कॉपी 7 से 8 मिनट में जांचती है शिक्षा का। कैसे हो इंसाफ दोस्तों? आपको बता दें, सीबीएसई बोर्ड में एक कॉपी जांचने के लिए औसत 24 मिनट का समय दिया जाता है। एक दिन में एक शिक्षक को सिर्फ 20 कॉपियां ही दी जाती हैं सीबीएसई बोर्ड में, ठीक है, और लगभग 24 मिनट का समय मिलता है अगर बाकी टाइम जो रिलैक्स का मिलता है उसको हटा दें तो, ठीक है। आईसीएसई बोर्ड में इसी तरीके से एक दिन में, सॉरी, एक कॉपी जाँचने के लिए 22 से 23 मिनट का औसत समय मिलता है। वहीं पर यूपी बोर्ड की कॉपियों की बात करते हैं जांचने में, तो एक दिन में हाई स्कूल की 50 कॉपियां शिक्षकों को जांचना अनिवार्य है और इंटर की 45। इस तरीके से देखा जाए तो हाई स्कूल की कॉपियां जांचने में यूपी बोर्ड में एक शिक्षक को 7 मिनट मिलता है और इंटर के लिए 8 मिनट मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कॉपी जांचने का समय, इसी वजह से यहाँ पर यूपी बोर्ड की कॉपियों में त्रुटियाँ भी बहुत होती हैं, कई सारे मामले ऐसे देखने को मिले हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ये भी स्पष्ट बताई गई है कि ये इसलिए होता है क्योंकि यूपी बोर्ड की कॉपियाँ जांचने में बहुत कम पैसे मिलते हैं, जबकि सीबीएसई बोर्ड की कॉपी जांचने में बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, तो एवरेज वही बैठता है जा करके। आपको बता दें, यूपी बोर्ड की जो हाई स्कूल की कॉपी होती है उसको जांचने के लिए 11 रुपए मिलते हैं, इंटर की कॉपी जांचने के लिए 13 रुपए मिलते हैं। और अगर सीबीएसई बोर्ड की बात कर लेते हैं, तो सीबीएसई बोर्ड की या आईसीएसई बोर्ड की अगर कॉपियों की बात करते हैं, तो हाई स्कूल की कॉपी जांचने के लिए 25 रुपए मिलता है, जो कि 11 रुपए का भी डबल से ज़्यादा है। और अगर इंटर की कॉपी की बात करते हैं तो 30 रुपए मिलता है, ठीक है, जो कि इंटर की यूपी बोर्ड की कॉपी से कहीं ज़्यादा है, दोगुने से ज़्यादा है। और सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड में दैनिक भत्ते के रूप में अच्छा खासा रुपए भी मिलता है, वहाँ पर रहने खाने का भी पैसा दिया जाता है। तो ये अंतर है यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर अपडेट है, दिल्ली के मॉडल स्कूलों की तरह तर्ज पर बनेंगी आंगनवाड़ी केंद्र। उत्तर प्रदेश के जितने भी आंगनवाड़ी केंद्र हैं अब मॉडल स्कूलों की तर्ज पर बनाए जाएंगे। इसके लिए दोस्तों पहले चरण में आंगनवाड़ी केंद्रों के खुद का भवन बनाया जाएगा। सीएम ने आंगनवाड़ी केंद्रों में मिनी मॉडल स्कूल चलाने के निर्देश दिए हैं।
सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों आंगनवाड़ी केंद्रों में मिनी मॉडल स्कूल खोलने के निर्देश दिए। इस क्रम में यह पाया गया कि प्रदेश में ज्यादातर आंगनवाड़ी केंद्र किराए के भवनों में संचालित हो रहे हैं, जिससे सरकारी योजनाओं को ठीक से लागू नहीं किया जा पा रहा है। इसलिए अब यह निर्देश दिया गया कि पहले यहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्रों का भवन बनाया जाए, उसके बाद बाकी इनको डेवलप किया जाए। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर शिक्षा मित्रों व अनुदेशकों को लेकर के अपडेट है। प्रदेश के 1.6 लाख यानी 1,60,000 शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को मिलेगा PF। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट है, प्रदेश भर के 1,60,000 शिक्षा मित्र व अनुदेशकों को PF मिलने का रास्ता साफ हो गया है। लखनऊ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त कार्यालय की ओर से मामले में 28 फरवरी को सुनवाई हुई, तो उसके बाद ये फैसला लिया गया। अगली न्यूज की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक ऑर्डर आया हुआ है। ये ऑर्डर है जितने भी डाइट हैं उनको लेकर के, और जितने भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे निष्ठा चल रहा है या रेमेडियल टीचिंग चल रहा है, इस तरीके से इन सबको बंद करने के बारे में आदेश आ चुका है। ये आदेश सभी DIOs के लिए है, डाइट के लिए है, और कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के लिए है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए है, ठीक है, और प्रधानाचार्यों के लिए भी है कि कोरोना वायरस के चलते जितने भी इस समय ट्रेनिंग कार्यक्रम चल रहे हैं डाइट में या कहीं पर भी हो, उन सबको बंद कर दिया, जो बैच चल रहा है उसको पूरा कर लिया जाए और उसके बाद इसको बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो दोस्तों ये आज की पूरी अपडेट हो गई। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।